ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं हस्त मैथुन के लक्षण के विषय में। कुछ लक्षण जो मनुष्य में आप देख कर पता कर सकते हैं कि ये व्यक्ति हस्त मैथुन करता है या नहीं करता है। ये लक्षण अगर आपको पता चल जाता है मेरे प्रिय बंधुओं, तो आप अपने आसपास पड़ोस में अपने क्या कहते हैं गांव घर में निश्चित तौर पर जिस भी व्यक्ति को परखना चाहें उन्हें परख सकते हैं कि क्या ये हस्त मैथुन करता है या नहीं करता है। तो मुख्यतः दो तीन लक्षण मैं यहाँ पर शेयर करूँगा जिस लक्षण से आप समझ सकते हैं और अगले को भी समझा सकते हैं। परंतु इससे पहले मैंने एक वीडियो जो बनाया है हस्त मैथुन के लक्षण के विषय में, उसे भी आप देखिए। उनमें अलग लक्षण मैंने बताए हैं। वे लक्षण महत्वपूर्ण लक्षण है, ये लक्षण भी महत्वपूर्ण लक्षण है। सर्वप्रथम लक्षण, वो व्यक्ति कदाचित कभी भी सुसज्जित सुसंगठित सुव्यवस्थित शरीर नहीं प्राप्त कर सकेगा। वो या तो अत्यधिक मोटा होगा या अत्यधिक पतला होगा। वे समझिए कि संयम नियम की भाषा को नहीं समझने वाला होगा। एक सुसंगठित गठित शरीर जिसे कहा जा सकता है, वो गठित शरीर उस व्यक्ति को कभी नहीं मिल सकता। वे व्यक्ति या तो अत्यधिक मोटा होगा फूला हुआ या फिर पतला होगा। इन दो क्रिया में दो लोगों दो में से इन्हीं एक में वह भटकेगा। वो सही शरीर नहीं प्राप्त कर सकता जो हस्त मैथुन की क्रिया करता हो। दूसरा, उस व्यक्ति के चेहरे पर बिल्कुल आपको तेज नहीं दिखेगा। वे व्यक्ति बिल्कुल उसका चेहरा निस्तेज होगा, बिल्कुल निस्तेज होगा। और चेहरा देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि उसके चेहरे पर ढुंढसा फुंसी फुहाड़ा, मतलब बहुत अधिक रोग ग्रसित चेहरा जिसे कहा जा सकता है। जैसे कोई खस्सी बकरी मुर्गा मछली काटता है तो उसका चेहरा देखिए कितना पाप जैसा भयानक लगता है। वह चेहरा एकदम बिल्कुल पापी के जैसा, राक्षसों के जैसा वो चेहरा लगता है। जो खस्सी बकरी काटते हैं मुर्गा मछली काटते हैं उनके चेहरे को देखिए, वैसा चेहरा बिल्कुल बन जाता है हस्त मैथुन करने वाले का। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि एक बार हस्त मैथुन करने में जितना वीर्य जो बाहर निकला उनमें इतनी शुक्राणु, जीवित शुक्राणु जिन्हें आत्मा का संज्ञा दिया जा सकता है, जैसे आत्मा उनमें भी है हमने भी है, तो उन्हें हम लोग मार रहे हैं लगभग लगभग करोड़ों शुक्राणु एक बार में। पूरे जीवन भर में, पूरे जीवन भर की बात छोड़िए, एक बार में बताया गया है कि जितना वीर्य हम लोगों का निकलता है उतने में पूरे संसार को आदमी पैदा कर सकता है। इतना शुक्राणु मर जाते हैं, इतना शुक्राणु मर जाते हैं मेरे प्रिय बंधुओं। या फिर पूरे जीवन में जो व्यक्ति वीर्य निकालते हैं उतने में वो पूरा जो जनसंख्या है पूरे विश्व का एक व्यक्ति पैदा कर सकता है। अगर वो पूरा शुक्राणु उनका बाहर बच्चे में निरूपित हो, बच्चा बने, इस तरीके से कोई था कोट जो हमें पूरी तरीके से इस समय याद नहीं है, परंतु जो भी था हमने बताया, तो इसी से आप लक्षण देख सकते हैं। तीसरा लक्षण आप ये भी जानिए, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर रहा है, वो शत प्रतिशत गाली गलौज, गंदे शब्दों का प्रयोग, गंदे भाषा का प्रयोग, गंदा रहन सहन, गंदे तरीके से रहना, उन्हें यही अच्छा लगेगा। जो व्यक्ति हस्त मैथुन नहीं कर रहा है वे बिल्कुल स्वच्छ रहना पसंद करेगा, सुंदर साफ शब्द बोलना पसंद करेगा, सुसंगठित तरीके से सुव्यवस्थित लोगों में बैठना उठना पसंद करेगा। परंतु जो वीर्य नाश कर रहे हैं हस्त मैथुन कर रहे हैं वे कदाचित ऐसा नहीं करेंगे। वे गाली गलौज अपशब्द का प्रयोग निरंतर करते रहेंगे, चाहे वो घर पर हों चाहे बाहर हों, वो ऐसा करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि दिमाग उनका उस श्रेणी का हो जाएगा। तो यह वीडियो यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे आने वाले समय में हम और भी वीडियो प्रकाशित करेंगे हस्त मैथुन के लक्षण के विषय में, हस्त मैथुन के छुटकारा के विषय में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक एकाग्रता के साथ देखा, और जैसे इन्हें देखा वैसे ही इन्हें अपनाने का प्रयास करें, आपको 100% लाभ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।